हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज गिरीश रावत एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल मार्गदर्शन क्लासेस। सो आई एम हेयर विद द क्लास टेंथ लेक्चर। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर फॉर द क्लास टेंथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज टाइप फॉर रिएक्शन। तो एक एक करके रिएक्शनों को समझेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल वे में आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहले ये देखिए कि रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पांच टाइप के होते हैं जनरली। वैसे तो बहुत बहुत टाइप के होते हैं, हज़ारों टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आपको इस यहाँ पर जो पढ़ने हैं टेंथ में, वो आपको सिर्फ पाँच टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। तो पहले रिएक्शन है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवे रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना किसी चीज़ को, मिला देना। जैसे मान लीजिए आपके पास दो तीन लड्डू थे और आपने क्या किया, उनको मिला दिया, मिला के वो एक लड्डू बन गया, कंबाइन कर दिया आपने, क्लियर है ना। तो वो उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपने सब्जी बनाई तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ डाल दी, तो कॉम्बिनेशन हो रहा है सारी चीज़ों का, क्लियर है। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लगा हुआ है, तो यानी अलग अलग हैं, प्लस का मतलब अलग अलग हैं, डिफरेंट है ना, प्लस लगा हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी इससे कंबाइन होकर एक ही बन रहा है, डी ई एफ, एक साथ लिख दिया डी एफ बन रहा है, क्लियर है, प्रोडक्ट एक बन रहा है, रिएक्टेंट एक दो तीन है। प्लस का मतलब होता है अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी आप तीन का हैं, एक ही है ये प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि सी प्लस ओ टू, यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, अब दोनों कंबाइन हो क्या बनाते हैं, यहाँ पर सी ओ टू बनाते हैं गैस स्टेट में, चलिए तो एक प्रोडक्ट बना। एन टू प्लस थ्री एच टू, अमोनिया गैस बन गई, टू एन एच थ्री, एन टू और एच टू, एन एच थ्री, बैलेंस कर दीजिए, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई हुई है, और अगर आपको नहीं आती है तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगला है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन है ना, नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन। अब मान लीजिए आपके पास एक लड्डू है, ठीक है, और आपको क्या करना है, चार भाई बहनों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, उसे तोड़ देंगे बराबर इक्वल पार्ट्स में, यानी इक्वल पार्ट्स में जैसे भी है, पर आप उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो देखिए CaCO3, इसको जब हमने हीट किया तो CaO प्लस CO2, यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बने आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन गए, सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन गए। H2O है, इसमें करंट पास कराया वाटर में, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पर रिएक्टेंट एक ही था लेकिन प्रोडक्ट कितने बन गए, दो बन गए। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आसान है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि अगला जो रिएक्शन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस है ना, नाम से ही पता चल रहा है, डिसप्लेस मतलब प्लेस को ही चेंज कर देना। अब प्लेस को कैसे चेंज करेंगे भाई, ये तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं ना, कोई घर की लैंग्वेज में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि उसने इसको खिसका दिया, उसकी भाई ज़्यादा पावरफुल कम पावरफुल को खिसका देगा। मान लीजिए दो पहलवान लड़ेंगे तो जो ज़्यादा पावरफुल पहलवान होगा वो कम पावरफुल को क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के टर्म में जब हम इसको जानेंगे तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, है ना। रिएक्टिविटी आपको पता ही है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो किसको डिस्प्लेस कर देता है, कम रिएक्टिव को। जैसे मान लीजिए CuSO4 और जिंक, अब जिंक क्या है, कॉपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जिंक क्या करेगा, इसको कहेगा चल भाई अपनी जगह से हट, ये मेरी जगह है, तो यहाँ पर ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, उसी तरीके से जिंक हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर रहा है, तो ZnCl2 बन गया,
और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो रिएक्शन है, रिएक्टेंट है एक ये और एक ये, ठीक है, एक रिएक्टेंट ये वाला और एक रिएक्टेंट ये वाला, और दोनों के पास में आयंस हैं, दोनों के पास में, जैसे Na पॉजिटिव आयन है उसका भी Ba2 पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। भाई दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के पास आयंस हैं, आयन मतलब चार्ज है उनके पास, Na पॉजिटिव और Ba पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे की पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे। भाई जो Na है वो Cl के साथ बहुत अच्छा महसूस करता है, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, आपने नमक का नाम सुना होगा, ये मित्र हैं, इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही Na को Cl दिखता है वो Cl की तरफ चल देता है, कहता भैया मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी तरीके से ये इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों जो रिएक्टेंट होंगे दोनों के पास आयनिक एक्सचेंज होते हैं और नया प्रोडक्ट बन जाता है, या बैरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, अच्छी तरीके से समझा दिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जो आपको समझना है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक से टॉपिक है, क्लियर हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों को जनरली कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। पहले आप समझ लीजिए कि जो रेड ऑक्स है, रेड ऑक्स लाल बैल नहीं है, है ना, रेड ऑक्स तुम कहो, रेड ऑक्स नहीं, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ये दो टर्म का है ना कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का, है ना, किसी चीज़ का घट जाना या बढ़ जाना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, नाम से ही पता चला है ना, ऑक्सीजन का एडिशन। जब किसी भी एलिमेंट में, जैसे मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है और जब इस ए में ओ का एडिशन हो जाए, है ना, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फ्लोरीन का एडिशन हो जाए या क्लोरीन का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनका, एडिशन हो जाता है और रिमूवल किसका होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। दोनों कंडीशनों में से देखिए एक को भी ये फॉलो कर सकता है और दोनों को भी फॉलो कर सकता है, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। कि ऑक्सीडेशन से आपको क्लियर होगा ऑक्सीजन का एडिशन, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का या क्लोरीन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2Cu और O2, तो ऑक्सीजन जो है इस एलिमेंट में कॉपर में जुड़ गया, है ना, जिसमें ये ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। फ्लोरीन है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर है। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, दोनों फिनोमेना एक साथ चलते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, जैसे BeH2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, BeH2 बन गया, 2HgO है, इसको हीट किया, Hg+O2, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया या हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, क्लियर है। ZnO+C, कार्बन ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, तो यहाँ से इसका क्या हो गया, देखिए यहाँ से है ना रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली Fe2O3 आयरन का ओर है, 2Al गिव्स 2Fe2 ये 2Fe और Al2O3, ठीक है। इसको हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन, आपके बोर्ड में कई बार पूछने के लिए आई है कि बताइए थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, वेल्डिंग रिएक्शन, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है ना, 2Fe ये अलग हो गया 2Fe, और यहाँ पर Al2, Al कितने, दो हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, तीन हैं, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं वो रहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हैं। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर देखिए
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यानी कि द एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी मान लीजिए इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन थे, 27 थे, दो इसने गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होता है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर कितने रह गए, 28 रह गए, जब इसने लूज कर दिए दो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के लिए, जब लूज कर दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ गई, कमी आ गई, है ना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्लियर हो रहा होगा। चलिए उसके बाद देखें, इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, एक एक करके एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी आपकी कभी कभी पूछने के लिए आ जाती हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। के बात आती है कि बताइए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एक्जो नाम से ही पता चल रहा है, एक्जो, एक्स मतलब बाहर निकाल देना, एक्जो बाहर फेंक देना, कि मान लीजिए आप धूप में से आए, है ना, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था और आप जैसे ही पंखे में बैठे, ठीक है, नॉर्मली, तो फिर क्या हुआ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी ने एटमॉस्फेयर को हीट दे दी, तभी तो हुआ, क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे रिएक्शन या ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होती है सराउंडिंग के लिए, उसको कहते हैं हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने पानी को गर्म किया, गैस से जब आप नीचे उतार के रखेंगे तो क्या वो पानी हमेशा उतना ही गर्म रहेगा, नहीं, है ना, वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो क्यों ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, वो अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देगा, तो टेम्परेचर हमेशा इसमें डिक्रीज होता है एक्जोथर्मिक में। एंडोथर्मिक इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, जब तक बॉयल कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक हीट को लेता रहेगा, हीट लेता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हीट का, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो रेस्पायरेशन है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, आप मेरे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है इस बार थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ है, नेक्स्ट टाइम आपको मैं शेड्यूल प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से दिन में कौन सी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ये सारा शेड्यूल मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सिलेबस आपका मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरी जी गारंटी है, हर तरीके से अच्छी तरीके से सिलेबस कराऊंगा, एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।